गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई एम एक्सप्लेनिंग नेक्स्ट कंजक्शन टू मेक कंपाउंड सेंटेंस. तो नंबर फोर्थ, इलेटिव कंजक्शंस. बिफोर दिस आई हैव एक्सप्लेन थ्री कंजक्शंस. इलेटिव कंजक्शन, बाय दीज कंजक्शंस वी गेट रिजल्ट ऑफ द स्टेटमेंट बाय अनोदर स्टेटमेंट. तो द मेन थिंग इज हियर, यानी इस इलेटिव कंजक्शन में क्या है, इससे जब हम किसी स्टेटमेंट में रिजल्ट देखते हैं, यानी सेंटेंस में हमें ऐसा फील हो रहा है, किसी सेंटेंस में दो सेंटेंस के बीच में कनेक्ट करेंगे जिसको भी वर्ड से, तो यानी जहाँ पर हमें उसका दूसरे सेंटेंस का रिजल्ट दिखाई देता है, तो हम ये वाले कंजक्शन जो वर्ड हम अभी इसमें वर्ड बताएंगे उसे ऐड कर देते हैं या ज्वाइन करते हैं. वर्ड्स आर यूज्ड, यानी इलेटिव कंजक्शन में जो वर्ड यूज होते हैं वो हैं आपके सो, therefore, consequently, for और then. ये वर्ड्स हैं, यानी इनमें से कोई भी वर्ड यूज़ करके जो वहाँ पर सूटेबल है, प्रेफर आपको लग रहा है सूटेबल, वो वर्ड हम यूज़ करेंगे कौन से कंजक्शन में, इलेटिव कंजक्शंस में. सो मीन्स भी इसलिए है, therefore means भी इसलिए है, for यहाँ क्योंकि आता है, वैसे for means क्योंकि रिजल्ट के लिए आता है, then means तब है, यानी जब हमें किसी स्टेटमेंट का रिजल्ट दिखाई दे रहा है. अब बाई द एग्जाम्पल वी अंडरस्टैंड हियर, फॉर एग्जाम्पल्स ही डिड नॉट वर्क हार्ड, उसने हार्ड वर्क नहीं किया, ही फेल्ड, उसने हार्ड वर्क नहीं किया, ही फेल्ड. दो सेंटेंस हैं, दोनों को कनेक्ट करना है, किससे करना है हमें, इलेटिव कंजक्शन से. वह फेल हो गया. अब देखिए इसमें रिजल्ट, यानी फेल क्यों हुआ, क्योंकि उसने हार्ड वर्क नहीं किया, तो इसको कंजक्शन तो ज्वाइन करेंगे. अब ही डिड नॉट वर्क हार्ड, उसने हार्ड वर्क नहीं किया, सो ही फेल्ड, इसलिए. अब ये सो वर्ड क्या है, यहाँ पर इलेटिव कंजक्शन है, और ये सेंटेंस बन गया आपका कंपाउंड सेंटेंस. किससे बना है, कंजक्शन यूज़ किया हमने, इलेटिव कंजक्शन, और ये सेंटेंस कैसा हो गया आपका, कंपाउंड सेंटेंस. ठीक है, एग्जाम में कैसे आएगा, जैसे ये वाले सेंटेंस है, दो सेंटेंस दे दिए, नीचे लिखा होगा मेक कंपाउंड, तो अब आपको यहाँ पर क्या लगाना है, रिजल्ट फील हो रहा है, तो उससे आप लगा दोगे यहाँ सो, देयरफॉर, दोनों में से कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हो, और आपका सेंटेंस हो जाएगा कंपाउंड. यानी कंपाउंड मीन्स दोनों को जोड़ दिया कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज से, कोऑर्डिनेटिंग में आपके कंजक्शंस आते हैं. क्लियर. नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर टू, आई डू नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ. Do not means present indefinite, नहीं जाता हूँ. I have no uniform, मेरे पास uniform नहीं है. ठीक है, दोनों sentence है, connect करना है, किससे connect करना है आपको, conjunctions वो भी elative, यानी result वाले, जिनसे result हमें feel हो रहा है. मैं school नहीं जाता हूँ, क्यों नहीं जाता हूँ, reason क्या है, result क्या है उसका, कि uniform नहीं है. क्या आया यहाँ पर जोड़ने के लिए, इसलिए कि uniform नहीं है, क्योंकि उसके पास फॉर आया, बिकॉज नहीं आया, बिकॉज हो जाता तो आपका कॉम्प्लेक्स बन जाता. अगर आपने वैसे यहाँ सेंस लगाए, मेरे पास, मैं स्कूल नहीं जाता क्योंकि मेरे पास यूनिफॉर्म नहीं है, बिकॉज लगा दिया तो बन जाएगा कॉम्प्लेक्स. क्लियर. एफ ओ आर फॉर लगाया तो हो गया आपका कंपाउंड. ये अपने माइंड में रखना, सेंस लग रहा होगा, आई हैव, आई डू नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाता क्योंकि मेरे पास यूनिफॉर्म नहीं, क्योंकि का अगर आपने सेंस बिकॉज लगा दिया तो सेंटेंस आपका हो जाएगा रॉन्ग. पूछा है कंपाउंड बना रहे हो आप कॉम्प्लेक्स. ठीक है, तो आपको कंपाउंड बनाने के लिए क्या यूज़ करना है, फॉर. यहाँ फॉर का सेंस क्योंकि है, रिजल्ट, रिजल्ट क्या है, स्कूल न जाने का क्या रिजल्ट है, यहाँ यूनिफॉर्म नहीं है इसलिए स्कूल नहीं जाता. नेक्स्ट, ये हमेशा माइंड में रखना, कंपाउंड में क्योंकि लिए यहाँ पर आ रहा है फॉर, और कॉम्प्लेक्स में आता है बिकॉज. क्लियर. नेक्स्ट, नेक्स्ट टाइप ऑफ कंजक्शन, लास्ट टाइप ऑफ कंजक्शन इज द नंबर फिफ्थ, रिलेटिव प्रोनाउन और, रिलेटिव प्रोनाउन और एडवर्ब यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. अब कुछ कंजक्शंस ऐसे होते हैं, यानी रिलेटिव प्रोनाउन को और एक है आपका एडवर्ब को, कैसे यूज करते हैं हम, एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की फॉर्म में क्या बना के उसका कोऑर्डिनेटिंग जोड़ने वाला कंजक्शन बना देते हैं. किसको बना देते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन को और एडवर्ब को बना देते हैं, जिसके थ्रू वो क्या बन जाता है आपका, प्रोनाउन और एडवर्ब कंजक्शन बन जाता है. कंजक्शन यानी कंपाउंड सेंटेंस को बनाने के लिए जो यूज़ होता है वो
बनता है. समटाइम्स वी यूज रिलेटिव, समटाइम्स वी यूज रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब इन कंटिन्यूएटिव सेंस. यानी कंटिन्यूएटिव सेंस क्या होता है? कंटिन्यूस, वर्क का कंटिन्यूस होना, लगातार जिस सेंस में कोई काम हो रहा है उसके लिए हम उस सेंस में यूज करते हैं. टू मेक कंपाउंड सेंटेंस, समटाइम्स है लेकिन मेन थिंग क्या है? कभी कभी, ऐसे नहीं है जहाँ लिया रहो आपने, आपने ये क्या था, रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब, ये सम कभी कभी है जहाँ आपको लग रहा है कंपलसरी यही आना है, यहाँ सेंस इसी का लग रहा है तो आप लगाओगे, नहीं तो इतने सारे कंजक्शंस हैं आपके पास, 4 कंजक्शन इससे पहले, उसका यूज़ करके आप कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हो. नेक्स्ट, वी यूज दीज कंजक्शंस इन दीज टाइप मीनिंग. अब जो कंजक्शन से हमारे रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब, उनका सेंस यहाँ अलग होता है, वो सेंस मीनिंग आपको लर्न करना पड़ेगा तब आप यूज़ कर सकते हो कंपाउंड सेंटेंस में. अगर आपने मीनिंग के थ्रू ढंग से यूज़ नहीं किया तो आप कंपाउंड की जगह पे कॉम्प्लेक्स बना दोगे, ये माइंड में रखना. ये वाला जो टाइप है इसको थोड़ा टिपिकली, यानी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है इसको यूज़ करना, क्योंकि अगर आपने हु का यूज़ हु के सेंस में ही कर दिया कौन, तो वो एडवर्ब क्लॉज से बन जाए, एडजेक्टिव क्लॉज से बन जाएगा आपका कॉम्प्लेक्स. क्लियर? तो मोस्टली ये वाला कंजक्शंस कम यूज़ करते हैं बच्चे, क्योंकि थोड़ा टिपिकल है यूज़ करने में, कंपाउंड की जगह पे कॉम्प्लेक्स बना देते हैं. हु का सेंस होता है कंपाउंड में एंड ही, और वह, वैसे तो आपका कॉम्प्लेक्स में होता है जो, रिलेटिव एडजेक्टिव में यूज़ होता है कॉम्प्लेक्स बनाने में जो, वैन मीन्स कब और जब होता है, लेकिन यहाँ कंपाउंड बनाने में क्या होता है, एंड देन, और तब. इनकी मीनिंग आपको लर्न करनी पड़ेंगी अगर ये वाला आपको टाइप ऑफ कंजक्शन यूज़ करना है कंजक्शंस कंपाउंड बनाने में, तो इनकी मीनिंग लर्न होनी चाहिए. जैसे हु का मतलब क्या है, वैन का मीन्स क्या है, वेयर एंड देयर, और वहाँ, यानी इनके मीनिंग जो है थोड़े डिफरेंट है. यहाँ पर जिसे मीनिंग लर्न है वो इसका यूज़ कर सकता है, जिसने मीनिंग लर्न नहीं किया तो मत करना, नहीं तो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा. ठीक है, जैसे विच का मतलब जो हम नॉन लिविंग में करते हैं, लेकिन यहाँ कंपाउंड बनाने के लिए एंड इट, इसका मतलब अलग है, एंड इट और यह. अब एग्जांपल के थ्रू आपको समझना है ये कैसे किया है यूज इसका. ही केम टू माई फादर, वो मेरे फादर के पास आया. ही वेलकम्ड हिम वार्मली, और उसका वेलकम वार्मली किया, अच्छे से किया, जोरों से उसका वेलकम किया है. देखिए, ही केम टू माई फादर, मेरे फादर, हु, वैसे तो अगर हु हमने लगाया तो कॉम्प्लेक्स में, तो हु यानी फादर को इसने क्वालिफाई किया तो एडजेक्टिव क्लॉज बन जाएगा और आपका सेंटेंस हो जाएगा कॉम्प्लेक्स. लेकिन हमने हु कंपाउंड में यूज़ किया तो इसका मीनिंग क्या है, एंड ही, और उसने या और उसका वेलकम वार्मली हुआ. ठीक है, मेरे फादर के पास आया और कैसे वेलकम हुआ उसका, वार्मली, गर्मजोशी से, अच्छे से वेलकम हुआ. तो ये जो वर्ड हैं हमने इस वाले टाइप में नंबर 5th में जो यूज़ किए हैं, इनकी मीनिंग पहले आपको लर्न करनी होगी तब इसका यूज़ कर सकते हो, नहीं तो करना मत. क्लियर? अगर आपने हु का सेंस अगर लगा दिया नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करके लगा रहा है तो आपका कंपाउंड की जगह पे कॉम्प्लेक्स बना दोगे आप और सेंटेंस हो जाएगा रॉन्ग. ग्रामर में तो जरा एक सिली मिस्टेक पे भी आपका पूरा मार्क्स चला जाता है मैथ की तरह. ठीक है, तो आगे का टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे. ओके.